ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में वाराणसी कोर्ट से पूजा की अनुमति मिलते ही देर रात पूजा हुई। व्यास जी का ये तहखाना ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण हिस्से में मौजूद है, जहां 30 सालों से पूजा पर रोक लगी थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी को ज्ञानवापी परिसर के बैरिकेड वाले इलाके में जाने से रोक दिया गया था। अब वाराणसी कोर्ट ने 30 साल बाद फिर तहखाने में पूजा की अनुमति दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद डीएम 7 दिन के अंदर व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ का इंतजाम करेंगे। पूजा करने वाले पुजारी का नाम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड तय करेगा। वहीं कोर्ट के इस फैसले को मौलाना खालिद रशीद ने निराशाजनक बताया है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे विष्णु जैन का कहना यह है कि जैसे लेट 80s में जो फैसला आया था अयोध्या के मामले में ताला खुलने का, उसी तरह का ये भी एक टर्निंग पॉइंट है और ये उसी तरह का उन्होंने एक अयोध्या मंदिर का जिक्र करते हुए इसको कहा। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है, तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा।